हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज आपको हम बताएंगे कि सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके जो राहुल केला ब्रांच है उसमें जो है जेई की जो है वैकेंसी निकली हुई है। आप देख सकते हैं इसमें इस पूरी वैकेंसी का विवरण आप देखिए, तो आप देखिए कि इसमें जो है मैकेनिकल के लिए जो है 70 पोस्ट है, और मेट्रोलॉजी के लिए 55 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 17 और इंस्ट्रूमेंटल के लिए 8 पोस्ट है। यानी कुल मिलाकर के 170 पोस्ट जो है 170 पोस्ट पर पूरा विज्ञापन निकला हुआ है। यानी मैकेनिकल की जो है एक बड़ी कम वैकेंसी कही जा सकती है, और इलेक्ट्रिकल के जो है 20 पोस्ट इसमें है। तो इसके लिए देखिए जो पोस्ट क्या क्या हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, और एक पोस्ट जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर एवं ऑपरेटर के है, इसमें सब 28 पोस्ट है। और देखिए कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, जो जूनियर मैनेजर के लिए उसके लिए डिग्री मांगा हुआ है। लेकिन इसके बाद देखिए जो पोस्ट आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की है, आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के मैकेनिकल मांगा हुआ है, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मांगा हुआ है। ईयर जो है 18 से 28 साल तक है। इसके लिए कहा है कि क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन में 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से है। और उसी तरह से जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए है, यानी बॉयलर ऑपरेटर पोस्ट है, उसके लिए भी देखिए मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल और पावर प्लांट इंजीनियरिंग। और इसके लिए एक मेन मार्जिन लगाया हुआ है कि क्वालिफाइंग मार्क इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो है, जो OBC या जनरल कैंडिडेट के लिए 50% कम से डिप्लोमा होना चाहिए, और ST के लिए 40 SC ST के लिए 40% होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट, जिसके बाद देखा केमिकल, मैकेनिकल, पावर प्लांट के लिए पूरी वैकेंसी है। इसमें ये पूरी वैकेंसी जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेट्रोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट और केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी जो है। इसमें आपको नीचे ले चलते हैं और देखिए क्या क्या इसमें और सब क्या क्या है। तो इसमें जो था 2 साल का कंट्रैक्ट होता है, उसके बाद फिर वो पीरियड रख पूरी तरह से रख देते हैं। जब आपके 2 साल, इसमें जो मुख्य बातें हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,700 रुपये मिलेगा पहले साल, दूसरे साल जो है 12,200 रुपये मिलेगा। जब आप 2 साल की ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे, उसके बाद आपको जो आपकी मूल सैलरी है वो आपको मिलने लगेगी। और इसके बाद आप देखिए नीचे आइए, इससे फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा हुआ है। तो देखिए हाइट जो है कि 55 सेंटीमीटर, वजन जो है 45 सेंटीमीटर मेल के लिए है, और चेस्ट जो है 72 से 75 सेंटीमीटर आन एक्सपेंशन फैलाव के साथ, महिला के लिए जो है 143 सेंटीमीटर और वजन जो है 35 किलोमीटर, और 75 से 79 जो है इसका चेस्ट होना चाहिए, और आइज देखिए 6x9 होना चाहिए, और 6x6 या 6x12 है। कलर विजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हियरिंग, ये जो है जूनियर मैनेजर के लिए है। लेकिन यहीं जब आप आएंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, यानी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, उसके लिए 155 हाइट उसके लिए भी है, 45 के लिए वही, 143 ये भी है, सब कुछ वही, यानी क्वालिफिकेशन है इसमें। आप तो ये पूरी वैकेंसी जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए है। और ख़ासकर अब देखिए मुख्य बात है कि इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सिर्फ 4 जगह बनाया हुआ है, जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का है और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर का है। राहुल केला सेंटर रहेगा, संभलपुर रहेगा, भुवनेश्वर है और कटक है, 4 जगह सेंटर रहेगा। और मुख्य बात है क्योंकि सेंटर और जगह नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ 4 ही जगह सेंटर
आपको ले जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके नीचे आप आए और सब तो वही है, एप्लीकेशन फीस जो है, एप्लीकेशन फीस जो है इसमें देखिए कि जो मैनेजर के लिए 500 रुपया है और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और बॉयलर के लिए जो है ये जो फीस है वो जो है 250 रुपये है, यानी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए जो फीस है जो 250 रुपये है। और ये जो है SBI कलेक्ट या नेट बैंकिंग के द्वारा की जा सकती है, डेबिट चालान उसे जानते हैं उसे भी। SBI ब्रांच में जो फीस की जो तारीख है वो 5/11 से 4/12 तक है। आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। और अब मुख्य बात है कि इसकी जो है कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक इसी फॉर्म भरने की डेट है, तो वो अभी आपको बता देते हैं। देखिए मुख्य चीज़ है कि एप्लीकेशन जो है 5/11 को शुरू होगा, यानी एप्लीकेशन जो है 5/11 को शुरू होगा और क्लोज हो जाएगा 4/12 को, और क्लोजिंग डेट यानी 4/12 को हो जाएगा। तो ये जो है सेल की वैकेंसी है, आप सेल इंडिया लिमिटेड जो है यानी ये सेल की वैकेंसी है। ये जो पोस्ट होती है वो JEE के बराबर की पोस्ट होती हैं और इसके लिए JEE और इसमें मैकेनिकल की जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल यही दो दो की वैकेंसी है मुख्य रूप से। ये वैकेंसी जो है दो लोगों की है और इसमें देखिए मैकेनिकल का जो है पोस्ट ही बहुत ठीक ठाक इस बार दिया हुआ है, जबकि पहले इतना पोस्ट नहीं आता था। मिला करके मैकेनिकल के लिए 70 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल के लिए 20 पोस्ट है। तो आप इसको देख लीजिए और इस संबंध में कोई भी जानकारी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके पूछ सकते हैं। आप इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल राव स्टिक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट इस संबंध में तो आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।